आप ऐसे पनीर फाड़ के गोली करोगे और इसके बाद में आप रसगुल्ले बना सकते हैं। इसके बाद ऐसे गोली कर लो, इसकी गोली करके और धीरे 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 आप इसको ऐसे धीरे जैसे आप चाशनी में डाल रहे हैं भाई साहब, ये चाशनी ऐसी उबलनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। उसके बाद में अपन इसको चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी में डालने के बाद में ये देखना ये ऊपर चढ़े, ये पट्टी चालू कर दी है और अभी देखो ये अंदर डालेंगे इसके। ऐसे झाग चढ़ जाना चाहिए पूरा, तब आपने को अंदर डालना है इसके। ये अभी भी देखना, ये देखो अभी ये डाल दिया अंदर। अब ये 10 या 15 मिनट में पक जाएगा। पकने के बाद में ये अभी मोटी चाशनी है, फिर इसके अंदर ये थोड़ा पतला चाशनी में डाल देंगे अपन। उसके बाद में ये जब थोड़ा अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से, फिर इसको अपन निकाल के फिर ऐसे बड़ी परात में या मोटी चाशनी होनी चाहिए ऐसे इसको अंदर डाल दो, ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि भट्टी के अंदर जब ऊपर चलती हो कढ़ाई तो उसके अंदर ऐसे झाग पूरा भरा रहना चाहिए। ये गाय भैंस का रसगुल्ला है, इसको उगड़ने के बाद अगर साफ हो गया ऊपर आ गया इससे तो उसके अंदर गांठ पड़ जाएगी। तो ऐसे ध्यान रहे अपने को कि रसगुल्ला बाहर नहीं आना चाहिए, बस इसके अंदर अंदर चलना चाहिए। फिर इसको आप बाहर निकालेंगे तो अपने को एक पीस बाहर निकाल के इसे पानी में डाल के देख लो कि वो मतलब डूब रहा है या क्या है, मतलब कच्चा रहेगा तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो पका होगा तो ऐसे पूरा राउंड राउंड रहेगा। फिर राउंड रहेगा तो आप सोच लेना वो पक गया। तब उसको थोड़ा इधर से थोड़ा पानी डालो उसमें। थोड़ा पानी डालने के बाद में इसको थोड़ा हिलाओ। हिलाने के बाद में आप इसको इसी पतली चाशनी में डाल सकते हो। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में इसके अंदर पड़े रहेगा तो फिर थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में उसको निकाल के परात में ऐसे जैसे ये पड़ा है अभी ऐसे रहे तो ऐसे डाल दो। जब पड़ा रहेगा 2 घंटा 4 घंटा तब उसको आप यूज कर सकते हो। भाइयों लाइक करियो, शेयर करियो। ओके।